हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज ऑन हायर एजुकेशन। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। क्लियर? हमारे पास जितने भी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं एजुकेशन को लेके, अगेन इंपॉर्टेंट है। हमारे पास नाक के ऊपर क्वेश्चन आएगा। क्लियर? AICTC अगेन इंपॉर्टेंट। NIRF की रैंकिंग्स है, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है, UGC, NTA, देन वी हैव पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा, इस पे क्वेश्चन आएंगे हमें। तो ये टॉपिक्स हमारे पास अगेन इंपॉर्टेंट है, इसी पे क्वेश्चन जो है यार डिस्कस करेंगे आज, और NRIF की रैंकिंग के ऊपर भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लियर? सबसे पहला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। हाँ जी, ये जो इनिशिएटिव है किसका है, ये स्कीम किसकी है, जो हमारे पास MHRD की स्कीम है। क्लियर? कब इस्टेब्लिश हुई थी भैया? 2013 के अंदर। यस, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, दैट वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर 2013 by MHRD। किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने। क्लियर? अब नाउ रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मिनिस्टर कौन है? मिस्टर रमेश पोखरियाल। हमें न्यूज के बारे में जो है यहाँ पे पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पास पीपल एंड एनवायरमेंट, आपके पास ICT, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, देन वी हैव हायर एजुकेशन। यहाँ से करंट क्वेश्चन, मतलब करंट अफेयर्स पे जो करंट टॉपिक्स हैं, जो भी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है एजुकेशन को लेके, अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? किसने जो है लॉन्च की थी भाई? मिस्टर मनमोहन सिंह ने। क्लियर? चलिए जी, देखिए अब बेसिकली इसका एम क्या, ये करती क्या है, रूसा क्या करता है, कि जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के अंदर, उसको फंडिंग प्रोवाइड कराने का काम किसका है? रूसा का। तो उसके डेवलपमेंट के लिए काम करता है कौन? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। क्लियर? चलिए जी, अब बेसिकली इसके ऑब्जेक्टिव के ऊपर क्वेश्चन है हमें, कि किन ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम करता है। नंबर वन वी हैव कि ओवरऑल क्वालिटी इंप्रूव करता है स्टेट इंस्टीट्यूशन की, दिस इज करेक्ट। सेकंड वन, टू इंश्योर एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी फैकल्टी के, जो भी फैकल्टीज है हमारे पास यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, अगेन उनकी जो भी हायर किया जाएगा कॉलेज के अंदर टीचर या जो भी फैकल्टी हायर करी जाएगी, वो उनकी रैंकिंग्स क्या होंगी, मतलब उनकी स्पेसिफिक डिग्रीज क्या होंगी, अगेन इंपॉर्टेंट, तभी वो क्वालिटी एजुकेशन फर्दर ऑन प्रोवाइड करा पाएंगे। क्लियर? थर्ड वन, वी हैव टू क्रिएट न्यू इंस्टीट्यूशन थ्रू अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑटोनॉमस कॉलेजेस, के जो भी हमारे पास न्यू इंस्टीट्यूशन हैं उनको जो है क्रिएट करेंगे। प्लस एक और चीज़ इसमें बोली है कि जितनी भी हमारे पास अवेलेबल सीट्स हैं उसको भी अपग्रेड करेंगे, है ना, कि मान लो किसी भी कॉलेज में BCOM की या MCOM की किसी भी 200 सीट्स हैं, तो उसको अपग्रेड करके और 250-300 जितनी भी उस कॉलेज की कैपेसिटी है, उसको और जो है उस लेवल तक पहुंचाया जाएगा। क्लियर? सो ABC एंड इज करेक्ट। फोर्थ वन, वी हैव टू डाउनग्रेड यूनिवर्सिटीज विद पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इनटू ऑटोनॉमस कॉलेज, दिस इज इनकरेक्ट अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ रूसा, क्योंकि रूसा बेसिकली किसके लिए काम करेगा? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए, और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आर रिलेटेड टू माइन व्हाट, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, है ना। देखो जी, सिलेक्ट करो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ABC, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड, ABC। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से ग्राउंड पे हम लोग, जब बच्चे का इवन की टीचिंग में भी कम्युनिकेशन में भी ये चीज़ें आपको पूछी जाती है, कि क्लासरूम में जब हम लोग टीच कर रहे हैं तो हम लोग उसको किस लेवल पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, राइट? सो अगेन हायर एजुकेशन में भी सेम क्वेश्चन है, द ग्राउंड ऑन विच डिस्क्रिमिनेशन इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इज जो है कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोहिबिटेड आर, कौन से बेसिस हैं? रिलीजन, ठीक है, देन वी हैव जेंडर बेस्ड, राइट, देन वी हैव प्लेस ऑफ बर्थ, रेस के बेस पे। तो हम लोग इस बिहाफ पे किसी भी स्टूडेंट को जो है क्या नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, राइट? सो रिलीजन इज करेक्ट, सेक्स, देन वी हैव प्लेस ऑफ बर्थ, अगेन नेशनलिटी के बिहाफ पे जो है हम लोग उसको क्या करते हैं, कि उसी कोटा के बिहाफ पे ही एडमिशन देते हैं, तो नेशनलिटी इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, राइट? चलिए जी, सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ABC, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। अब ये ना हो कि स्टेटमेंट ऊपर से सही भर लो कर लो और नीचे करेक्ट कोड को गलत कर दो, ठीक है, तो देख के करना वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव ऑन लोकसभा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट लोकसभा। हाँ जी, लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, अगेन इंपॉर्टेंट है। नंबर वन देखो, स्टेटमेंट्स दी हुई है आपको लोकसभा के ऊपर। नंबर वन, द कॉन्स्टिट्यूशन पुट्स अ लिमिट ऑन द साइज ऑफ लोकसभा। यस, मैक्सिमम यहाँ पे कितना हो सकता है, 552, है ना,
मैक्सिमम अवेलेबिलिटी कितनी है, 552 ही जो है इसके मेंबर्स हो सकते हैं. अगेन करेक्ट. सेकेंड वन, द साइज एंड शेप ऑफ द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द इलेक्शन कमीशन. दिस इज इनकरेक्ट. सी, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम इज फॉलोड. अगेन करेक्ट. डी, द स्पीकर ऑफ लोकसभा डज नॉट हैव अ कास्टिंग वोट. जो स्पीकर है लोकसभा का, दे हैव अ कास्टिंग वोट. ठीक है, सो अगेन इनकरेक्ट हो गया. ऑप्शन नंबर ए एंड सी इज करेक्ट. हाँ जी, कौन सा सही है? कोड फर्स्ट, ए और सी ही जो है करेक्ट है. अब आपको इसमें रिमूवल का, सीट्स के बारे में, क्लियर मेंबर्स के बारे में पता होना चाहिए. डन. नेक्स्ट वन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो पब्लिक ऑर्डर है एज एन आइटम इन द कॉन्स्टिट्यूशन फिगर्स इन, हम किसमें शो करते हैं? स्टेट लिस्ट के अंदर. ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट. किसमें शो करेंगे? स्टेट लिस्ट के अंदर. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट इज. अब यहाँ पे अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें तो उनका जो टर्म है, टेन्योर है, वो डिफाइन नहीं है, फिक्स नहीं है. तो वो जो भी बाय द टाइम पीरियड जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं, और मतलब वो काम कर सकते हैं. कौन? एडवोकेट जनरल ऑफ, जो भी एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट. क्लियर. उनका अपॉइंटमेंट एज पर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, उनका जो टेन्योर है वो फिक्स नहीं है. क्लियर. बट उनका जो रिमूवल है, गवर्नर उनको कभी भी टाइम पे, किसी भी टाइम पे क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं. सो इट इज नॉट फिक्स. क्लियर, एज पर अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा. व्हाइल आई एम टॉकिंग अबाउट द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स इन द लोकसभा, नंबर वन वी हैव यूपी, है ना. यूपी में, उत्तर प्रदेश में हमारे पास कितनी सीट्स है? ऑन अराउंड 80 सीट्स. देन फॉलोड बाय महाराष्ट्र. सेकेंड वन वी हैव महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में ऑन अराउंड वी हैव 48 सीट्स है. ठीक है, तो महाराष्ट्र में कितनी है? 48. वेस्ट बंगाल में हमारे पास 42 सीट्स हैं. देन वी हैव तमिलनाडु 39, और राजस्थान में कितनी है? 25. सो एज पर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, हाईएस्ट नंबर ऑफ किस में है? सीट्स महाराष्ट्र में. बट एज पर अकॉर्डिंग टू द लिस्ट किस में है? यूपी में. उत्तर प्रदेश में कितनी? 80 सीट्स. तो अगर कल को क्वेश्चन में यूपी एड ऑन हो जाता है तो आप महाराष्ट्र को टिक नहीं करके आओगे, आप यूपी को टिक करोगे, ऑब्वियस सी बात है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर वैल्यूज अमंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन आर प्रोमोटेड बाय नैक, दैट इज नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल. जितने भी हमारे पास इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटीज है, उनको रैंकिंग कौन प्रोवाइड, सॉरी, उनको असेसमेंट कौन प्रोवाइड करता है? ए ग्रेड देना है, बी ग्रेड देना है, ए प्लस, तो कौन देता है? नैक, एज पर अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंसेस. ठीक है, इसकी फंडिंग, इसको फंडिंग कौन करता है भाई? यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है फंड प्रोवाइड करता है. सो इट इज़ अ बेसिकली अ ऑटोनॉमस बॉडी, नॉट अ स्टेचुटरी बॉडी, राइट. कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अ नेशनल डेवलपमेंट, यस, नाक के ऊपर हमारे पास क्या है? इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अ नेशनल डेवलपमेंट. देन वी फॉस्टरिंग ग्लोबल कॉम्पिटेंसी अमंग द स्टूडेंट्स. थर्ड वन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. थर्ड वन, इनकलकेटिंग अ वैल्यू सिस्टम अमंग स्टूडेंट्स एंड जो टीचर्स हैं. ये यूटिलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कुछ नहीं है ऐसा. क्लियर. सो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी इज करेक्ट. हाँ जी, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, ए बी एंड सी. क्लियर है यहाँ तक? आगे चले. नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट वे फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यू एजुकेशन इज थ्रू. अब हम लोग वैल्यू एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं? थ्रू मेंटरिंग, है ना, थ्रू मेंटरिंग एंड रिफ्लेक्टिव सेशन ऑन वैल्यूज के. जो भी हमारे पास मेन कंसेप्ट है, क्लियर, जो भी हमारे पास जो है टॉपिक्स हैं मेन, उसके ऊपर हम लोग क्या करा सकते हैं? रिफ्लेक्टिव सेशंस प्रोवाइड करा सकते हैं थ्रू मेंटरिंग. क्लियर, ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट. नेक्स्ट वन, वी हैव एनजेएसी पे क्वेश्चन है, दैट इज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन हैज बीन डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय. किसने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है? सो एज पर अकॉर्डिंग टू द एक्ट जो 2014 में पास हुआ था, उसमें इसके अनकॉन्स्टिट्यूशनल के बारे में कुछ नहीं बोला. 2015 में अमेंडमेंट हुई है, ठीक है, अमेंडेड इन 2015, और वहां पे इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. सो ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट. क्लियर है. नेक्स्ट वन, ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैज द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज आर करेक्ट. कौन सी इसमें से जो पॉइंट्स हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर करेक्ट है? नंबर वन, द प्रेजिडेंट इज बोथ हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट. अगेन करेक्ट, राइट. सेकेंड वन, वी हैव पार्लियामेंट इज सुप्रीम. पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम. हु इज सुप्रीम? कॉन्स्टिट्यूशन.
है ना, कौन सुप्रीम है, वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर, सो दिस इज इनकरेक्ट. थर्ड वन, द सुप्रीम कोर्ट इज अ गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन वी नो दैट, क्लियर. सो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेट पॉलिसी आर नॉट जस्टिशिएबल, है ना, इट इज नॉट जस्टिशिएबल, सो इट इज इनकरेक्ट अगेन. सो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया भाई, ए और सी, कहीं पे है क्या ए और सी? अभी तो देखो यार, इन कोड्स में प्रॉब्लम क्या है कि अब आप ढूंढोगे ए, है ना, और आपके दिमाग में आएगा कि यार यहाँ तो है ही नहीं, सी लिखा है, ए भी होना चाहिए था, तो कोई बात नहीं ना, अगर नहीं है तो एज पर अकॉर्डिंग टू सुटेबल गिवन कोड आप उसी को ही जो है करेक्ट मार्क करोगे. अब ए क्योंकि नहीं है, बी और डी जहां जहां पे भी आ रहा है वो इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट इनकरेक्ट. बी इसमें भी है तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, फोर्थ वन, सी ओनली, क्लियर है. माना कि ए करेक्ट है बट ऑप्शन में गिवन नहीं है, सो आर सुटेबल आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर, दैट इज सी ओनली. नेक्स्ट, हाँ जी, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 11, फंडामेंटल ड्यूटीज पे हमें क्वेश्चन है, अगेन कॉमन क्वेश्चन यार, राइट. हमें जो है अपने नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को, पेरेंट्स जो हैं उनको प्रोवाइड कराना चाहिए, क्या प्रोवाइड कराना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू देयर हिज और हर चाइल्ड, करेक्ट. फोर्थ वन इज टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये हमारा काम नहीं है, राइट. सो इट इज बेसिक ड्यूटी मान सकते हैं, बट इट इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, सो इट इज नॉट करेक्ट एज पर अकॉर्डिंग टू आर फंडामेंटल ड्यूटी. ए बी सी इज करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट. फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ लो सारी की सारी, वो पता होनी जरूरी है, ठीक है. लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, अगेन इंपॉर्टेंट, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब नीति आयोग क्या है भाई हमारे पास, हमारे पास प्लानिंग कमीशन आया था, ठीक है, उसको रिप्लेस करके किसको इस्टेब्लिश किया गया, नीति आयोग को. कब इस्टेब्लिश हुआ, 1 जनवरी 2015 में जो है इस्टेब्लिश किया गया, किसको, नीति आयोग को, ठीक है. किसको रिप्लेस किया, प्लानिंग कमीशन को. जो पंचवर्षीय योजना या गवर्नमेंट को फंडिंग करने का काम है कौन देखता है, नीति आयोग देखता है, क्लियर. अब बेसिकली यह करता क्या है भाई, हाँ जी, उसी के ऊपर हमें क्वेश्चन है. नीति आयोग किसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, जो भी हमारे पास करंट हमारे प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, क्लियर. अब देखो, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टेचुटरी, इट इज नाइदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉट अ जो है हमारे पास स्टेचुटरी बॉडी, क्योंकि स्टेचुटरी बॉडीज आर दोज बॉडी विच आर जो है किसको उसको कौन पास कहाँ पास किया जाता है, पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है ना. तो ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही स्टेचुटरी बॉडी है, इट इज करेक्ट, इट इज अ बेसिकली अ थिंक टैंक फॉर द गवर्नमेंट, है ना. सो ऑप्शन नंबर सी एंड डी इज करेक्ट, कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर थ्री, सी एंड डी, क्लियर. चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डीमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन. हम लोग कहते हैं कि हमारे पास बेसिकली जो हायर एजुकेशन है, दिस इज रिलेटेड टू आर व्हाट, जितने भी कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको हम लोग हायर एजुकेशन का पार्ट मानते हैं, राइट. ग्लोबलाइजेशन में हम लोग कह रहे हैं कि जो भी हमारी नेशनल बाउंड्रीज हैं उसको ख़त्म करने के बारे में बोल रहे हैं, क्लियर. सो उसका बेसिक एडवांटेज भी है हमारे पास और डीमेरिट्स भी हैं, क्लियर. अब ट्रेड को लेके भी है और प्लस यहाँ पे हायर एजुकेशन, हम लोग तो हायर एजुकेशन में बात कर रहे हैं, राइट. नंबर वन, वी हैव एक्सपोजर टू ग्लोबल करिकुलम, सो दिस इज अ मेरिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दिस इज नॉट अ डीमेरिट. सेकेंड वन, वी हैव प्रमोशन ऑफ एलिटिज्म इन एजुकेशन, अगेन दिस इज अ डीमेरिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. देन वी हैव कमोडिफिकेशन ऑफ हायर एजुकेशन, डीमेरिट है. इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, ऑफकोर्स अगर बच्चा यहाँ से या फिर हम लोग जो है ग्लोबल एजुकेशन के बारे में डिस्कस करें तो कॉस्ट तो लगेगी ही लगेगी. सो बी सी और डी जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर थ्री, बी सी और डी, क्योंकि जो एक्सपोजर टू ग्लोबल करिकुलम है यहाँ पे तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग डाटा जो है शेयर करेंगे नेशनल लेवल के ऊपर, क्लियर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट डीम्ड यूनिवर्सिटीज. अब डीम्ड यूनिवर्सिटीज बेसिकली क्या है, ये वो इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या कॉलेज हैं जिसका एरिया या फिर कोर्सेज इतने बड़े हैं कि इनको एज पर अकॉर्डिंग टू यूजीसी, है ना, कौन रिकमेंड करता है, यूजीसी, दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इनको रिकमेंड करती है और इनको क्या बना दिया जाता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी मान लिया जाता है. एक्चुअल में यूनिवर्सिटीज नहीं होती, कॉलेजेस होते हैं या इंस्टीट्यूशन होते हैं जो ऐसे कोर्सेज या फिर उनका एरिया इतना बड़ा है कि उनको एज पर अकॉर्डिंग टू यूजीसी की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग उसको क्या मान लेते हैं, दैट इज डीम्ड यूनिवर्सिटी. सो विच ऑफ द फॉलोइंग
स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट डीम्ड यूनिवर्सिटी. द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अ जो है चांसलर ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी. जो सोसाइटी है वो अपॉइंट करती है चांसलर को, किसके, डीम्ड यूनिवर्सिटी के. सो दिस इज अगेन इनकरेक्ट. सेकेंड वन, दे कैन डिजाइन देयर ऑन सिलेबस एंड कोर्स वर्क. दिस इज करेक्ट. थर्ड वन, दे कैन फ्रेम देयर ऑन गाइडलाइंस रिगार्डिंग एडमिशन एंड फीस. अगेन करेक्ट. दे कैन ग्रांट डिग्रीज. जैसे अदर कॉलेजेस डिग्रीज ग्रांट करते हैं वैसे ये कर सकते हैं, अपना कोर्स फ्रेमवर्क कर सकते हैं. राइट. सो बी सी एंड डी इज करेक्ट. वन, ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट. बी सी एंड डी क्लियर है. आगे चले. अब ओपन यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. डीम्ड यूनिवर्सिटीज पे पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं हमें, ठीक है. सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पे भी आ चुका है, स्टेट यूनिवर्सिटीज पे भी आ चुका है. क्लियर. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15. द पर्पस ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज बेस्ट सर्व्ड बाय. हाँ जी, जो हम वैल्यू एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं वो कौन से तरीके से जो है हम बेस्ट सर्व कर सकते हैं. बेसिकली कल्चरल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट लेट डाउन बाय अ सोशल ग्रुप, कंसर्न फॉर ह्यूमन वैल्यूज, रिलीजियस एंड मॉरल प्रैक्टिसेस एंड इंस्ट्रक्शन. सो वी हैव कंसर्न फॉर ह्यूमन वैल्यूज, ठीक है. उसके थ्रू हम लोग क्या प्रोवाइड करा सकते हैं, वैल्यू एजुकेशन. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. हाँ जी, राज्यसभा के ऊपर अगेन वी हैव क्वेश्चन. राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस विच कैन बी डिजॉल्व ओनली ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी. सो इट मे बी डिजॉल्व, इट मे बी नॉट डिजॉल्व, ठीक है. इट मे बी सस्पेंडेड. क्लियर. सो दिस इज नॉट फिक्स्ड, ये मतलब जरूरी नहीं है. सेकेंड वन वी हैव, राज्यसभा डज नॉट रिप्रेजेंट द लोकल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट. अगेन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. थर्ड वन वी हैव, हाँ जी, मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर नॉट बाउंड टू वोट एट द डिक्टेट ऑफ द स्टेट्स दे रिप्रेजेंट. सो दिस इज करेक्ट. डी, नो यूनियन टेरिटरी एज अ रिप्रेजेंटेटिव इन राज्यसभा. यूनियन यूटीज भी जो है रिप्रेजेंट करती है किसको, राज्यसभा को, ठीक है, उसकी रिप्रेजेंटेटिव होती है. सो ये चीज जो है गलत है यहाँ पे. ऑप्शन नंबर ए इज, और जो डी है वो गलत है. बी और सी सही है. तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सेकेंड. ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट, बी और सी. क्लियर. देखो पहले ही बोला राज्यसभा, लोकसभा, पार्लियामेंट हमें पता होना चाहिए, ठीक है. एडवोकेट जनरल के बारे में पता होना चाहिए, हाई कोर्ट के जजेस का पता होना चाहिए, अपॉइंटमेंट और रिमूवल का, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट रिन्यूअल, इनके टेन्योर्स हमें पता होना चाहिए. सीट्स के बारे में, इनकी जो राज्यसभा, लोकसभा और पार्लियामेंट की कितनी मिनिमम और मैक्सिमम सीट्स हैं, ठीक है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरली द इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेजिडेंट रूल इन अ स्टेट. हाँ जी, कौन सा इसमें से इमीडिएट जो है नहीं लगेगा, कौन सा है भाई, डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबली. यस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरली द इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेज. के प्रेजिडेंट रूल लगने के बाद इमीडिएट ऐसा नहीं होगा. तो दे आर सेइंग दैट कि डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट असेंबली. डिजोल्व भी अगेन सेम ही है कि डिजोल्यूशन में हम लोग कहते हैं कि वो बिल्कुल ही इमीडिएट हो जाएगा, जरूरी नहीं है, दे कैन बी सस्पेंडेड. क्लियर. सो ऑप्शन नंबर ए. सेकेंड वन, रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट. अगेन दिस इज नॉट करेक्ट. टेक ओवर ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय द यूनियन गवर्नमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू चीफ सेक्रेटरी. सो ये चीजें इमीडिएट नहीं होंगी, ए और डी. क्लियर ना. तो यहाँ पे आपको इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में पूछा ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरली द इमीडिएट जो है हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेज हो गए. जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो जरूरी नहीं होता ना कि हम लोग न्यू चीफ सेक्रेटरी जो है हायर करें इमीडिएट ही, या फिर हम लोग स्टेट असेंबली इमीडिएट डिसॉल्व कर दें. क्लियर. तो ऑप्शन नंबर ए एंड डी इज जो है हमारे पास इसके लिए सुटेबल आंसर है 17 का. क्लियर. नेक्स्ट वन, 18th. Which of the following are the goals of higher education in India? Again, पहले भी हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं. राइट. वी हैव एक्सेस, हमारे पास पिलर्स हैं, ठीक है. एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी एंड एक्सेलेंस, रेलिवेंस, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे, कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन. अभी तक इस बारे में कोई बात नहीं हुई किसके ऊपर, गोल्स ऑफ हायर एजुकेशन के. हम लोग बात कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं 12वीं तक पढ़ते हैं ना, सेकेंडरी एजुकेशन लेते हैं, बट वाइल आई एम टॉकिंग अबाउट द हायर एजुकेशन, कॉलेज तक जाते जाते, यूनिवर्सिटी तक जाते जाते ड्रॉप आउट क्यों कर जाते हैं.
तो बेसिकली कुछ पिलर्स हैं जिसके ऊपर बेसिक गोल्स हैं हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट के, ठीक है ना। तो उसमें एक्सेस के बारे में बात है, इक्विटी के बारे में, क्वालिटी और रेलिवेंस के, हर बच्चे को उतनी अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए जितना रूरल और अर्बन में जो डिफरेंशिएशन है उसको रिमूव करना है हमें, ठीक है। कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ आर नॉट द गोल ऑफ हायर एजुकेशन, राइट। सो ए बी सी डी एंड ई, ए बी सी डी एंड ई, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, राइट। कुछ नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रैंक्ड द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री 2020 एज पर नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। व्हाइल आई एम टॉकिंग अबाउट द NIRF, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, इनका हर साल जो है रैंक आता है, मतलब रेटिंग प्रोवाइड करते हैं कि जब भी हम लोग 12th क्लियर करके निकलते हैं, अब भी बारी आती है हायर एजुकेशन लेने की कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है ना, कौन से कहाँ पे हम लोगों को जो है बेस्ट एजुकेशनल फैसिलिटीज़ मिलेंगी, क्लियर। तो NRIF बेसिकली क्या करता है, रैंकिंग प्रोवाइड करता है जितने भी इंस्टीट्यूशन हमारे इंडिया में हैं, राइट। हर साल इसको रिलीज़ किया जाता है, इस साल भी इसको जून में रिलीज़ किया गया है, तो उसी के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बेस्ट कॉलेज कौन सा है, मिरिंडा हाउस जो कॉलेज है हमारे पास दिल्ली में, राइट, अगेन थर्ड टाइम पे जो है नंबर वन ही है, तो दो बार से पहले भी 2017 से लेके अभी 2020 अगेन वी हैव मिरिंडा हाउस कॉलेज जो है नंबर वन बेस्ट कॉलेज है, क्लियर, एज पर अकॉर्डिंग टू NIRF रैंकिंग। छोड़नी नहीं NIRF की रैंकिंग, क्लियर है। चलिए जी, अब यहाँ पे इससे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि नंबर वन IITs कौन सी हैं, स्कूल्स कौन से हैं और यूनिवर्सिटीज। अगर IIT के बारे में बात करें, देन वी हैव नंबर वन पे कौन सी है, IIT मद्रास, देन वी हैव IISc बेंगलोर, देन वी हैव IIT दिल्ली, क्लियर है। ये बेस्ट इंस्टीट्यूशंस है जो किसने रैंकिंग प्रोवाइड कराई है, NIRF ने। सेकेंड वन वी हैव एनुअल रैंकिंग फॉर टॉप 3 यूनिवर्सिटीज। अब हर एक पे क्वेश्चन आ सकता है ना, IIT पे भी आ सकता है, यूनिवर्सिटीज पे भी आ सकता है। IIT याद रखना पहले कौन सी है, मद्रास। आपको जो है ऐसे भी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे कौन सी आई है, क्लियर। नंबर वन वी हैव कौन सी है भाई, IISc बेंगलोर, टॉप 3 यूनिवर्सिटीज में। देन वी हैव JNU, दैट इज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटीज। थर्ड वन वी हैव बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, क्लियर। देन वी हैव IIM अहमदाबाद हैज बीन रैंक्ड एज टॉप बेस्ट स्कूल्स, वी मतलब बेस्ट स्कूल्स इन द कंट्री, फॉलोड बाय IIM बैंगलोर, देन वी हैव कैलकटा, क्लियर है। मैंने आपको जो है इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस के बारे में भी बताया था, राइट, अगेन इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर जितने भी 10 हमारे पास पब्लिक इंस्टीट्यूशन है और 10 प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, जिसमें से हम लोगों ने 20 में से 16 को डिक्लेयर कर दिया है अगस्त 2019 के अंदर कि दे आर द पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस एंड 4 आर स्टिल पेंडिंग, राइट। सो इसमें से जो हमारे पास IIT खड़गपुर है, IISc बैंगलोर, IIT दिल्ली, तो ये हमारे लिए अगेन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्लियर। अब ये चीज ध्यान रखना, IIT मद्रास जो है हमारे पास क्या है, 3 पोजीशन अमंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री इन द HRD मिनिस्ट्री, क्लियर है। IIT में टॉप मोस्ट कौन है, मद्रास। अगर स्कूल के बारे में बात करें, देन वी हैव IIM अहमदाबाद। यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करें, देन वी हैव IISc बैंगलोर, क्लियर है। हम लोगों ने कॉलेज भी देख लिया कौन सा है, मिरिंडा हाउस कॉलेज दिल्ली, राइट। थर्ड नंबर पे, मतलब तीसरी बार जो है हमारे पास नंबर वन पे कौन सा आया, मिरिंडा हाउस कॉलेज। अगर आपसे नंबर टाइम्स ऑफ पूछते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कौन सा है, तो क्या लिखोगे, मिरिंडा हाउस कॉलेज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बेस्ट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया एज पर NIRF रैंकिंग 2020। हाँ जी, बेस्ट जो हमारे पास मेडिकल कॉलेज है, दैट इज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, ठीक है। नंबर वन पे कौन आया है, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट डेंटल कॉलेज इन इंडिया। अब एक चीज और, इस बार NRIF की रैंकिंग में डेंटल को ऐड किया गया है, उससे पहले कभी इसकी रैंकिंग नहीं दी जाती थी, राइट। सो अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि बेस्ट डेंटल कॉलेजेस इन इंडिया वाज अवार्डेड टू विच कॉलेज इंस्टीट्यूशन बाय NRIF। वी हैव मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस दिल्ली, ठीक है, नंबर वन पे आया है। सेकेंड वी हैव मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस उडीपी, ठीक है। पहली कौन सी है हमारे पास यार,
मौलाना आजाद इंस्टीट्यूशन, मैंने दोनों पे टिक कर दिया, ठीक है। तो कौन सा आएगा नंबर वन पे? मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस दिल्ली, नंबर वन, ठीक है। और डेंटल को इसी बार रैंकिंग में इंक्लूड किया गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इन इंडिया एज पर NIRF रैंकिंग 2020, IIM दिल्ली, IIM अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु, FMS दिल्ली। सो करेक्ट वन इज IIM अहमदाबाद को जो है बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट डिक्लेयर किया है एज पर अकॉर्डिंग टू NIRF रैंकिंग, क्लियर है। हाँ जी, टॉप यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एज पर MHRD, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये अभी भी पढ़ा है, क्या था? ISC बेंगलुरु, है ना, जो नंबर वन यूनिवर्सिटी है हमारे पास। अगेन इंपॉर्टेंट है ना, देखो टॉप यूनिवर्सिटीज पे क्वेश्चन है, IITs पे आएगा तो क्या लिखोगे? IIT मद्रास, ठीक है, IIT मद्रास। देन वी हैव टॉप यूनिवर्सिटीज में ISC बेंगलुरु, देन वी हैव JNU दैट इज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, देन वी हैव बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तीसरे नंबर पे। तो ये चीजें नहीं भूलनी है, क्लियर। हाँ जी, बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हमारे पास कौन सा IIM अहमदाबाद, हम लोग क्या कर रहे थे? टॉप यूनिवर्सिटीज, है ना, कौन सा आएगा टॉप यूनिवर्सिटी में? ISC बेंगलुरु, देन वी हैव JNU, थर्ड नंबर पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। कम से कम तीन रैंकिंग तो पता होनी चाहिए, है ना, एक तो पता ही होगी यार, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, टॉप आर्किटेक्चरल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एज पर रिसेंटली इशूड NIRF रैंकिंग 2020, IIT खड़गपुर, है ना, करेक्ट वन इज IIT खड़गपुर को जो है बेस्ट रैंकिंग मिली है इन केस ऑफ व्हाट? आर्किटेक्चरल इंस्टीट्यूशंस में, क्लियर। अब NIRF जितने भी आपके मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, हर स्ट्रीम के बिहाफ पे भी रैंकिंग प्रोवाइड करता है, राइट। चलिए जी, बेस्ट लॉ इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया एज MHRD इशूड NIRF 2020 रैंकिंग्स। हाँ जी, कौन सा बेस्ट लॉ इंस्टीट्यूशन है इसमें से? दैट इज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLU। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को मत करे ना, वो कोर्ट है, है ना। हमारे पास जो बेस्ट लॉ इंस्टीट्यूट है दैट इज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दैट इज NLU, राइट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 26, एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड मोबाइल ऐप इज डेवलप्ड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वॉज लॉन्च अंडर कोविड 19 की सिचुएशन में। क्या है कि बच्चों के पास फैसिलिटीज प्रोवाइडेड नहीं है, जितने भी हमारे पास JEE और जो नीट के पेपर हो रहे हैं, क्लियर, तो उसके लिए मॉक टेस्ट के लिए, ताकि वो बच्चे मॉक टेस्ट कर सके, उसके लिए एक ऐप लॉन्च किया है किसने? NTA ने, ठीक है ना। सो कौन सा ऐप है वो? सेतु, नेशनल टेस्टिंग अभ्यास ऐप। तो उसका नाम क्या है? नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप। प्ले स्टोर पर जाओगे, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं उसको, ठीक है। दिस इज नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप, क्लियर, जो किसके लिए लॉन्च किया गया है? स्पेशली JEE और नीट के लिए। जितने भी पोर्टल्स हैं आपके पास, आप इसको जो है लैपटॉप पे भी देख सकते हो डाउनलोड करके, मोबाइल पे भी देख सकते हो, PC पे भी, तो हर जगह पे भी रन करता है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं इसके लिए, तो वो अपने मॉक टेस्ट और खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्लियर। कौन सी ऐप है? नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप। मैंने पहले ही बोला, पोर्टल्स, आपके पास ऐप, अगर कोई भी डिजिटल जो है लॉन्च हुआ है, अगेन इम्पॉर्टेंट, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू कैटेगरी ऑफ इंस्टीट्यूशन इनकॉर्पोरेटेड इन NIRF 2020 बाय MHRD। या आप ये भी बोल सकते हो कि फर्स्ट टाइम जो है इंट्रोड्यूस किया गया है बाय NIRF में, कौन सा है वो? दैट इज डेंटल कैटेगरी। पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले भी बोला था, कौन सा? डेंटल कैटेगरी। उससे पहले इसकी जो कभी भी रैंकिंग नहीं प्रोवाइड करी, राइट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टैट्यूटरी बॉडी? स्टैट्यूटरी बॉडीज आर दोज बॉडी विच आर जो है कौन इसको करता है भाई? पार्लियामेंट में जो है पास करी जाती हैं, राइट। वी हैव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वी हैव UGC, वी हैव ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE, क्लियर। देन वी हैव नेशनल असेसमेंट, दिस इज अ ऑटोनॉमस बॉडी, है ना, दिस इज अ ऑटोनॉमस बॉडी, नॉट अ स्टैट्यूटरी वन, ठीक है। इसको कौन फंडिंग प्रोवाइड करता है? UGC। NAC को फंडिंग कौन प्रोवाइड करता है? UGC, अगेन इंपॉर्टेंट। सो इस बिहाफ पे कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन राइट होगा? A, B और C, 1, 2 और 3, क्लियर है। इसका कुछ नहीं करना, जितने भी आपके पास इंस्टीट्यूशंस हैं, UGC, NTA, राइट, NAC, देन वी हैव नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है, AICTE, NIRF,
ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, क्लियर, अगर मैं कुछ छोड़ नहीं रही, नीति आयोग, क्लियर, इन सभी के ऊपर काम क्या करना है, इस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है ना, फॉर्मेशन कब है, इसको जो है फंडिंग कहाँ से प्रोवाइड होता है, किसकी फंडिंग करते हैं, फंक्शंस क्या क्या हैं, ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए, दैट्स इट। और इससे ज़्यादा डेप्थ में आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, राइट। चलें आगे, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट, 29, सिविल सर्विस डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन विच डेट, यस, कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है, 21 अप्रैल को, है ना, ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, 21 अप्रैल को। लास्ट क्वेश्चन, द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज, हाँ जी, कौन होते हैं, द हेड ऑफ द स्टेट, अभी पढ़ के आए हो ना, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, बोथ हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर नन ऑफ द अबव, कौन होते हैं भाई, प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, क्लियर, आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइज। तो जितनी भी हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आई होप इतना हम लोगों को समझ आ गया होगा, फिर भी कुछ डाउट्स लगते हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज़।